नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नरसिंहपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सालय अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ के साथ सभी पत्रकार उपस्थित हुए, जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पत्रकारों से कोरोना वायरस जैसे घातक संक्रमण से निपटने के लिए चर्चा की और उनके भी विचार जाने। वहीं वीडियो मॉनिटर के माध्यम से भी एक बिंदु पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सावधानी बरतना जरूरी है। आपकी सावधानी से न केवल आप बल्कि और अन्य लोग भी इससे बचेंगे। सचिव जीआरएस को निर्देश किया गया है कि अनावश्यक भीड़ ना हो, ग्राम सभा की आयोजन आवश्यकता अनुसार करें, उनको हाथ धोने की समझाइश दें, जहाँ जहाँ नुक्कड़ पर खड़े ना हो और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। घर घर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ, उनके जनसभा के लेकिन वापस सैनिटेशन को बताएं कि जब भी आए तो उनके हाथ धुलवाएं, है ना, उनसे दूर होकर बात करें और लाइन से दूरी बनाकर उनसे आवेदन लें। इसके बारे में समझाएं। बिल्कुल, आप सभी के माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में जितना पॉसिबल हो, हम जो नॉन एसेंशियल जो हमारा ट्रैवल है, कहीं जाना जितना ज़रूरी नहीं है, कहीं किसी से मिलना इतना ज़रूरी नहीं है, कोई कार्य ऐसा जो बहुत ज़रूरी नहीं है, उसको अवॉइड किया जाए। खासकर जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो या बच्चे हों, उनको बाहर किसी कारण से ना भेजा जाए। कोई ऐसे मार्केट में कोई चीज़ लेने जानी है तो हम कोशिश करें कि व्यस्क जो हैं, यंग लोग हैं, उनको भेजें, कोई बुज़ुर्गों को हम मार्केट में ना भेजें। और अगर जाना भी पड़ता है तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जिसमें मेनली सोशल डिस्टेंसिंग है, जाएं भी तो लोगों से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। लेकर कुछ आएँ मार्केट से या किससे मिलकर आएँ तो तत्काल अपना हाथ धोएं, अपना हाथ सैनिटाइजर से नहीं नॉर्मल साबुन से पानी से आराम से धोएं। कम से कम निकलें, बहुत आवश्यक हो तो निकलें, यदि निकलने की आवश्यकता पड़ रही है तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाओं के साथ निकलें। हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल आया है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है और जो प्रोटोकॉल उन्होंने भेजा है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने सारी व्यवस्थाएँ कर ली हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से और ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स पर हम सिंगल एंट्री पॉइंट की व्यवस्था रख रहे हैं। जितने मरीज या मरीज के को साथ में लेने आने वाले लोग हैं, उन सबको थर्मो स्कैनर किया जाएगा, टेम्परेचर नापा जाएगा। टेम्परेचर करने के बाद जो सस्पेक्टेड लोग होंगे उनको छांट के उनको अलग से आइसोलेशन में रख के उनकी चेकिंग की जाएगी फर्दर। सर, कोई मरीज डिटेक्ट हुआ है? अभी अपने कोई मरीज डिटेक्ट नहीं। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।